पुलिस वाले नोटिस लेके आए थे। मैंने कहा पुलिस वाले समझ गए कि जैसे आप हो, मैंने आपकी वीडियो भी दिखाई थी। मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं थी, ना मेरी थी। मेरी वाइफ भी पछताती है मुझे छोड़ के, मैं भी पछताता हूँ। हम नहीं चाहते थे कि हम अलग हों, लेकिन इनकी वजह से हमारा डिवोर्स हो चुका। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विनय यादव स्वागत करता हूँ आज फिर से एक लाइव इंटरव्यू में। आज हम फिर से एक लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं, और लाइव इंटरव्यू किसका लेते हैं आपको पता ही है, जो फेक लोन ऐप से प्रताड़ित होते हैं, जिनको परेशान किया जाता है, जिनका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, आपको नहीं बताओ किसी घर टूट गए हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया है, या किसी भी तरह का ऐसा नुकसान जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो आज सामने जो भाई बैठे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इनका जो है डाइवोर्स हो चुका है, और अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-6 दिन ही हुए हैं। तो ये सब आज हम आपको बताएंगे, हम क्या लाइव खुद आपको ये जो भाई बैठे हैं ये खुद बताएंगे, जो कि ये पटियाला में रहते हैं और एक जॉब करते हैं, इनका नाम है यासीर जावेद, ठीक है ना। तो ये बताएं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल बजाते रहो पुंगी को भी सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर रात 10 से 11 के बीच में लाइव आता हूं, आप लाइव आके अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यासीर जावेद जी, आप ये बताएं कि आप तो काफी पुराने विक्टिम है लोन ऐप्स की, ठीक है जी। आपने एक ऐप का नाम बताया आई क्रेडिट, कैश बीन, क्रेजी रूपी, तो इन सब ऐप से आपको क्या परेशानी हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपका डाइवोर्स तक हो गया आपकी वाइफ से, आपके परिवार वालों ने आपको नहीं समझा, थोड़ा सा शुरू से बताइएगा ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको अच्छे से समझ में आ सके और कैसे बाहर निकले, बताइए। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। काफी मतलब आजकल जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं इनके चक्कर में ज्यादा फंसते हैं, ऐप्स के चक्कर में, तो बहुत यंग जनरेशन को आप बहुत हेल्प कर रहे हो, थैंक यू सो मच आपका भी। और मैं बताना चाहूंगा, मैं काफी मतलब पहले से इन ऐप का बहुत बड़ा शिकार हो बन चुका हूँ, और मेरा हाल में ही अभी मेरा सॉल्व हुआ है। मेरा है ना रिश्ते टूट गए मेरे, मुझे मेरे ससुराल वालों ने नहीं समझा इन ऐप्स की वजह से सिर्फ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जब शुरुआत हुई, मैंने सबसे पहले मैंने कैशबीन से लोन लिया। मुझे, मैं फोन चलाता हूँ तो कैशबीन का ऐड आया, उन्होंने दिखाया 90 दिन का है, आपको 60,000 मिलेगा। मैंने क्लिक करा, मैंने सोचा चलो मुझे पैसे की जरूरत थी, मेरी जॉब छूट गई थी तो मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने कैशबीन मैंने क्लिक किया, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। मुझे पता नहीं था पैन आधार पैसे लोन मिल जाता है, तो उसके बाद मैंने उसमें अपने डॉक्यूमेंट डाल दिए, मैंने लोन ले लिया, चलो ठीक है, मैंने मिल गया। मुझे क्या दिया अकाउंट में, मेरे 1,250 रुपए आए मुझे दिखा के जी। उसके बाद मैंने सोचा इनका क्या होगा 1,250 का, और उसमें ड्यू डेट आई 7 दिन बाद की, सिर्फ 6 दिन, 7वें दिन हमें पेमेंट करनी थी। ये मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, तो मैंने कोई ना 7 दिन हो गए, मैंने पेमेंट कर दी उसकी, ठीक है। इसी तरह मैंने करते करते मैंने कम से कम कैशबीन से कम 7-8 बार लोन ले चुका, तो उन्होंने मेरी लिमिट बढ़ाई, फिर उसके बाद 15,000 उन्होंने मेरी लिमिट कर दी लास्ट में। तो कोई टाइम आया, ठीक है, मेरी मैरिज हो गई, मेरी मैरिज होने के बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने 15,000 की मेरी लिमिट थी, मैंने लोन ले लिया 15,000 का। उसके बाद ठीक है कोई नहीं, उन्होंने दिया टाइम कितना, 15 दिन का, मुझे 15 दिन का टाइम दिया 15,000, तो मैंने 15 ले लिया लोन। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया शादी के बाद, तो मैं बेड पे आ गया, काफी हार्ड मेरी घुटने की हड्डी टूट गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ड्यू डेट भी आ रही थी कैशबिन की, मुझे टेंशन, एक तरफ तो मेरी ये टेंशन, ऊपर से टेंशन के पेमेंट आ रही है, तो मुझे क्या पता था कि ये ऐसे कॉल्स वगैरह इतना हरास करते हैं। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अगर ड्यू होगा मैं दे दूंगा, एक हफ्ते बाद दे दूंगा, कोई ना जो चार्जेस लगेंगे, तो कोई नहीं। इन्होंने उसी दिन, मतलब एक दिन ओवर हुआ, इन्होंने मुझे कॉल करनी शुरू कर दी हॉस्पिटल में, मैं एडमिट चंडीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और ये कॉल कर रहे हैं इधर, मेरा फोन यहाँ रखा है, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ यहाँ बैठी है बराबर में। उन्होंने देखी कॉल, मैंने कहा लाओ मुझे पकड़ाओ, मैंने बात करी, कहते सर आप पेमेंट करो,
मैंने कहा सर मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मेरी जॉब जा चुकी है, ठीक है, मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, आप एक हफ्ता रुक जाओ, मैं कर दूंगा पेनल्टी के साथ करूंगा, हर दिन की 150 रुपये पेनल्टी कैश बिन की। तो ठीक है, उन्होंने कहा कोई नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको आपका पैन आधार ब्लॉक कर देंगे। मुझे बहुत हरास किया, मैं इतना परेशान, टेंशन, डॉक्टर ने मुझे मना किया था टेंशन मत दो, लेकिन वो टेंशन दे रहे। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कोई नहीं, 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद इन्होंने मेरी ससुराल वालों को, मेरी सास को, मेरी वाइफ को, पता नहीं किस किस को, मैंने कहा यार इनका तो मैंने नंबर भी नहीं दिया, और उनसे झूठ बोल रहे हैं कि आपका नंबर रेफरेंस में दिया हुआ है, आप उनसे बोलिए कि पेमेंट करें। हैं, वो मेरे पास हॉस्पिटल में आके मेरी सास कह रही है कि इस तरह हमारे पास कॉल आई थी। मैंने कहा पता नहीं मुझे, मैं नहीं जानता। तो इस तरह मुझे हरास किया इतनी परेशानी में, इन्होंने परेशानी नहीं समझी। मैंने 7 बार लिया, मैंने पुराना कस्टमर था इनका, ठीक है, उसके बाद मैंने आई क्रेडिट से लिया, इनके देने के लिए उनको, उनसे लिया, उन्हें पे करने के लिए। आई क्रेडिट ने मुझे 6 दिन का टाइम दिया, 7,000 रुपए। तो मैंने उनके, मैंने कहा मैं थोड़ी सी पेमेंट कर देता हूँ, मैंने कैश बिन की 7,000 पेमेंट कर दी आई क्रेडिट से लेके, फिर आई क्रेडिट का 6 दिन बाद। इस तरह मैं फंसता, दलदल में फंसता चला गया। तो बहुत नाराज किया, मतलब इतना बेइज्जत कर दिया कि मैं यूँ सोचने लगा, मैं अगर बाथरूम भी जाता था ना, मैं अपना फोन साथ लेके जाता था कि कहीं कॉल ना आ जाए, कोई उठा ना ले, इतना डर गया मैं। 1 महीना मैं बेड पे था, बेड पे मेरी हालत ऐसी हो गई, बहुत परेशान किया सर, आप समझ नहीं सकते इस बात को। वैसे तो आप जानते ही हो, आपका चैनल इतना अच्छा काम कर रहा है, आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं कि लोगों को इस तरह, उन्हें उनका माइंड खोलते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे इनका हरास, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर अभी कर रहे हैं कोई नहीं। तो लेकिन मेरे घर वालों पे भी, मैंने घर में बात कर ली उसके बाद, मैंने कहा देखो मम्मी मैंने है ना ऐसे ऐसे लोन लिया है। फिर उसके बाद एक थी क्रेजी बी, तो मैंने इनका देने के लिए क्रेजी बी से लोन लिया, उसने मुझे 7 दिन का टाइम दिया और 5,000 रुपये दिए, तो उससे लेके मैंने इनको ही पे कर दिया। मतलब इनसे मैं डबल तिबल इनको दे चुका था, लिया मैंने कितना, अब मेरे बाद में मेरे पल्ले कुछ नहीं आया, मैंने इनको दे दिया, ठीक है कोई नहीं। फिर क्रेजी बी का मैं दे नहीं पाया, उसके भी कॉल्स वगैरह आए, मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने मेरे मतलब कौन रेफरेंस पे कॉल नहीं करी, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी बड़ी हरकत करी कि मेरे जो ससुराल थी, ससुराल के घर पे उन्होंने एक पैम्फलेट भेज दिया, नोटिस एक कोरियर के थ्रू मेरे ससुराल में। तो मेरे ससुराल वाले डर गए, ये क्या है, मेरे नाम से नोट वहां था। तो ससुराल वाले, मुझे फोन आया, कहने लगे ये क्या है आपका यहाँ पे आया हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं है ऐसे ही है। हाँ, तो वो बताइए, मुझे यूं कहने लगे, दो पुलिस वाले, ये सुनिए, जी ससुराल में जो नोटिस गया वो जी ससुराल वाला नोटिस का एड्रेस कहाँ से मिल गया उन्हें? एड्रेस, हाँ एक्चुअली वो चक्कर क्या था, ये मेरी वाइफ थी, ठीक है, तो क्रेजी बी ने मेरा, मेरे जो डॉक्यूमेंट थे उस पे रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो मैंने अपने वाइफ के डॉक्यूमेंट डाले तो उन्होंने दे दिया, तो वो मेरी अच्छा, वाइफ का एड्रेस था। हाँ ये पूछना इसलिए जरूरी था, कई लोग ये कहेंगे कि जब आधार कार्ड तुमने लगाया था तो तुम्हारा ससुराल का जी एड्रेस थोड़ी होगा उसमें, तुम्हारा एड्रेस हाँ, होगा। नहीं, मैंने मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा ठीक है मैं ना ये ले रहा हूँ 5,000। मैंने वाइफ को भी बताया, मैंने कहा ये ऐप है, ऐसे पैसे देगी, और मैं ना अभी किसी के देने हैं, मैं लेके इससे 10 दिन का टाइम देगी, 7 दिन का मैं वो कर दूंगा। तो उसने कहा, वो तो मैं, मेरी वाइफ थी, वो वाइफ और मैं एक एक ही हैं, दो थोड़ी हैं। वो तो समझ रहा उस, हूँ मैं, हाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट मिले तो हमने वाइफ के डॉक्यूमेंट भी ले लिया। हाँ जी, फिर आगे तो है ना, पुलिस है, फिर आगे पे बताओ आप। तो उनके पास पहुंचा, तो वहां पता नहीं वो कहने लगी मेरी सास के दो पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले नोटिस लेके आए थे। मैंने कहा ऐसे पुलिस वाले नोटिस लेके थोड़ी आते हैं, उन पे इतना टाइम है। तो वो समझे नहीं, मतलब वो थोड़े इस चीज से जागरूक नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने मुझे कहा, यूं कहने लगे ऐसे तो नहीं होता ये वो। तो मैंने कहा आप इस बात को छोड़ो, आप ऐसे मत करो, ठीक है। वो लेकिन मेरी बात समझे नहीं, उन्होंने है ना मेरे घर वालों से बात करी कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने घर वालों को तो बता ही दिया था कि मेरे साथ ऐसे हो गया, तो उन्होंने भी उन्हें समझाया, लेकिन वो समझे नहीं है। तो मेरी वाइफ भी कहने लगी कि कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं। तो वो पुलिस में लेके चले गए वो नोटिस, ठीक है, पुलिस थाने में ले गए वो नोटिस, पुलिस वालों को दिखाया वो नोटिस,
है? तो उन्होंने पुलिस वालों ने देखा, पुलिस वालों ने कहा अगर देख, उन्होंने देखा इस पे नंबर भी लिखा हुआ है नीचे कंपनी का, क्रेजी बी का। तो उन्होंने कॉल करी, कॉल लग नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा ये 5,000 रुपए के लिए नोटिस थोड़ी आता है। पुलिस वाले समझ गए कि ये फेक है। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा, मैंने उन्हें यूट्यूब की वीडियो भी दिखाई, मैंने जैसे आप हो मैंने आपकी वीडियो भी दिखाई, उन्हें समझे, आपकी वीडियो भी दिखाई, मैंने कहा ये देखिए इस तरह ये ऐप्स होती हैं, ये लूटती हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा हाँ, तो देखा उन्होंने सही से, तो उन्होंने कहा ठीक है ये तो फेक है, इनका कुछ महत्व नहीं है। तो फिर मेरे जो ससुराल वाले थे वो कहने लगे हमारे पास कॉल्स आती हैं, हमारे नंबर दे रखे हैं। मैंने मैंने कहा मैंने नंबर नहीं दिए, मेरा डाटा हैक हुआ है, मेरे कॉन्टेक्ट वगैरह मैंने अप्लाई अलाउ किया, सारे चले गए डिटेल, ठीक है, मैंने दिए नहीं आपके नंबर। वो कहने लगे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे चलेगा, उन्हें पता ही नहीं था कुछ ऐसे चले जाता है नंबर है? मैंने कहा नहीं मैंने किया ही नहीं ऐसा। तो वो कहने लगे हमारे पास कॉल्स मैसेज आते हैं। तो पुलिस वालों ने उन्हें समझाया कि कॉल्स तो हमारे पास भी बहुत आते हैं फ्रॉड के, हमारे पास भी बहुत कॉल्स आते हैं दिन रात के, लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, क्रेडिट कार्ड, आप इन चक्करों में मत फंसो, ये फेक है। वो पुलिस वाले भी मान गए, मतलब मेरे सपोर्ट में रहे। मैंने ऊपर वाले का शुक्र किया, मैंने कहा चलो आपकी वीडियो देख के उनको दिल में तो आया, चलो मैंने आपकी वीडियो दिखा दी। तो इस तरह मेरे साथ हुआ, लेकिन वो फिर भी नहीं समझे। वो बाद में, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, वुमेन सेल में पता नहीं मेरे खिलाफ केस वगैरह कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है केस, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं, मुझे कौन हराएगा अगर मैं सच्चा हूँ, मैंने जवाब दिया। तो उसके बाद अब मेरा थोड़ा, मेरा सॉल्व हो गया सब कुछ पेपर समेत, वहां से मैं क्लियर हो चुका हूँ। लेकिन इन एप्स की वजह से मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं थी ना मेरी थी, मेरी वाइफ भी पछताती है मुझे छोड़ के, मैं भी पछताता हूँ। हम नहीं चाहते थे कि हम अलग हों, लेकिन इनकी वजह से हमारा डिवोर्स हो चुका, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं समझ पाए। कैसे बस हो गया, मतलब कैसे हो गया? कैसे, मतलब ऐसे ही बस, कि वो समझे ये तो है ना, ये कुछ करता नहीं है, लोन लेता है पैसे नहीं देता, फ्रॉड समझे मुझे। मतलब आपकी वाइफ आपके सपोर्ट में थी, उनके माँ बाप ने वो मतलब मेरी तुम्हें तलाक? सपोर्ट थी, हमारी नई नई मैरिज थी, हमारी कम से कम 1 साल हुआ था मैरिज को, अच्छा है अच्छा ना, अच्छा तो वो मुझे समझ रही थी। बट है ना, जो वो है ना अपने माँ बाप की बातों में थी, उसके माँ अच्छा बाप कह अच्छा रहे थे जब तेरा पति ऐसा है लोन ले रहा है 55,000 के ये वो, तो इस चक्कर में वो मुझे नहीं समझ पाए, तो वो मुझे फ्रॉड समझे उल्टा, कि ये तो ऐसे लूटता है ये लोगों, एप्लीकेशनों से पैसे ले रहा है, ये चक्कर है। तो मतलब आप लोगों का डाइवर्स हो गया इन लोन एप्स के चक्कर में। जी मेरा डिवोर्स हो चुका है इन लोग, और खास तौर से आई क्रेडिट और ये क्रेजी बी, आई क्रेडिट से भी और क्रेजी बी से भी इनसे मेरा हुआ है। आई क्रेडिट जी, आई क्रेडिट तो 2020 में जो लोन ऐप चल रही थी उसकी ऐप है, उस टाइम की ऐप है ये तो, 2020 में जब उस लोग टाइम को की है, बट परेशान। कॉल्स अभी भी आते हैं, मेल्स अभी भी आते हैं, कॉल्स अभी भी करते हैं वो। मेरी जॉब भी चली गई उनकी वजह से, मेरे बॉस को कॉल करी थी आई क्रेडिट ने अभी कम से कम 1 हफ्ता पहले कॉल करी है, कॉल करी कहने लगे आपने ऐसे लोन लिया है कि आपका ऐसे, उन्हें मैसेज कर रहे हैं कि ये मेरा फोटो भी भेज रहे हैं उल्टे गंदे संदे फोटो, मतलब ये फ्रॉड 420 लिख के माथे पे 420 लिख दिया, उन्हें व्हाट्सएप कर रहे हैं मेरे फोटो, और कह रहे हैं कि इसने लोन लिया है, कहाँ है ये, इसका नंबर दो, उन्हें गाली देने, मेरे बॉस को गाली दे दी इन्होंने आई क्रेडिट वालों ने। अभी भी लेटेस्ट, भले ही ये ऐप अभी प्ले स्टोर में ना हो, बट ये वैसे इनका गूगल पे काफी, इनकी एप्स हैं, इनके शायद और भी एप्स हैं, इनकी लैंड मॉल में भी इनकी आती है कई एप्स, लैंड मॉल जो लेटेस्ट ऐप है बिल्कुल, उसमें भी इनकी तो एप्स हैं। मतलब अभी फिलहाल में ये सब आपके साथ हुआ, तो आप इनसे मैं अब बहुत परेशान हो गया। मैं ना एक बार को ये भी सोच रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मैंने फिर जैसे आप, मैंने आपकी, आपका चैनल देखा है, आपकी वीडियो देखी, आप इतना इंस्पायर करते हो, मैं यूँ सोचता हूँ चलो मैं तो वैसे भी, चलो मेरी 30-32 साल की एज है, ठीक है, जो लेट जो स्टूडेंट्स हैं छोटे छोटे 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के जो हैं, वो कई स्टूडेंट्स आपकी वीडियो देखते होंगे, उनको कितना वो होता होगा कि चलो आप, मतलब एक तरह से आप बहुत जान बचाने का काम कर रहे हो लोगों की, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना सीन मैच्योर होके मैं नहीं झेल पाया इन्हें, लेकिन ये अब मैं इन्हें प्रताड़ना लूटता हूँ। ही इनकी लोगों की ऐसी होती है कि आदमी नहीं झेल पाता है, बंदा परेशान हो जी जाता है।
मतलब मैं समझ सकता हूँ यार, ये परेशानी कैसी होती है। ऐसी होती है कि सुबह से लेके शाम तक, रात दिन 24 घंटे आपके दिमाग में चढ़ी रहेगी कैसे इससे बाहर निकले। तो अब आप ये बताओ कि आप इन लोन ऐप से अभी बाहर निकल पाए हो कि नहीं? मैं पूरी तरीके से 100% तो नहीं कह सकते, बट मैं 95% निकल गया हूँ इनसे। मतलब ये है मैंने कि इन्हें मैंने है काफी ना मैंने देखा, आई क्रेडिट की भी कई एप्स थी है ना, कैशबिन की भी कई एप्स थी। मैंने है ना मैंने कम से कम मैं इनके कम से कम 2.5 लाख, मैंने 23 एप्लीकेशन से लोन ले रखा था। मैं नाम नहीं ले सकता सबके, लेकिन 23 एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया था। वो भी किस लिए? वो मैंने अपने ऊपर नहीं खर्च किया पैसा, इन्हीं एप्स को देने के भरने के चक्कर में 23 एप्लीकेशन से ले चुका हूँ। ठीक है, तो 23 एप्लीकेशन कम से कम मैंने 3.5 या 3 लाख रुपए ले लिए थे, क्योंकि मैंने है ना कई एप्स थे जो आज रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, तो उनसे है ना मैंने कम से कम 11 11 बार लोन लिया हुआ है। 11 बार लोन लेके वो लिमिट आपको पता है बढ़ा देते हैं। ठीक है, किसी ने मेरी 20 हजार तक, 35 हजार तक मेरी लिमिट आई हुई है। ठीक है, उनसे मैंने लेके लास्ट में मैंने उन्हें दिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना हरास किया, क्या कर लेंगे। मैं नहीं डरता अब उनसे। और मैं सबसे कहना चाहूंगा क्या है ना, आप ऐसे जो लोग हैं विनय सर जैसे, और जो ऐसे काम कर रहे हैं, कौन करता है इतना काम, मतलब विदाउट किसी मतलब सेल्फिशनेस के कौन करता है इतना काम। तो आप लोग इनके चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और है ना इनके चैनल पे जो भी आता है ना वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाता है। जी हाँ। और तो मैंने आपको दोस्तों मैं एक ट्रिक भी बताना चाहूंगा, जी मैं एक कॉन्टेक्ट की ट्रिक भी बताना चाहूंगा। मैंने है बताइए। ना फर्स्ट टाइम वो मैंने कहीं देखी नहीं थी, बट है ना मैंने है ना जैसे एप्स होती हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी है वो कॉन्टेक्ट वाली, वो वहां से इरेज करना, वो भी मैंने किया है ट्राई, वो हो गए थे, कई ऐप से हो चुके हैं मेरे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट, आपने उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ आपका। और एक ट्रिक और है, अगर आपको सही लगे, जैसे आपके पास दो फोन, कोई गरीब होते हैं दो फोन नहीं होते, ठीक है, अरे तो आप ऐसा करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई फ्रॉड नहीं करें आप ऐसा कुछ, बताइए, लेकिन नहीं आप हाँ बताओ। मैं ये कहूंगा, उसमें है ना मैंने आजमाई बहुत, आप है ना सेकंड स्पेस कर लो, MI का फोन होता है उसमें सेकंड स्पेस ऑप्शन होता है। ठीक है, सेकंड सेकंड स्पेस स्पेस में गए, सेकंड स्पेस में गए, वहां नई ईमेल आईडी डाली, वो पूरा फोन न्यू हो जाता है, जैसे आपका विंडो में ड्यूअल विंडो होता है ऐसे आपका अच्छा पूरा फोन न्यू होगा। आपको दो फोन की कोई लोड नहीं, एक फोन से ही लूट लो इन फ्रॉड लोगों को। मैंने बहुत लूटा है, मैंने कम नहीं से तो कम इनसे अगर मैंने यार 2.5 लाख लिया होगा ना, जी फोन में तो नहीं होता है ना। नहीं ज्यादातर आजकल तो आज एंड्रॉइड 11 के बाद, आजकल एंड्रॉइड 12 चल रहा है, एंड्रॉइड 11 के बाद सब फोन में आ चुका है, जो ठीक पांच है, सात चलिए हजार के फोन है उनमें भी है। ठीक मैंने है, आप बहुत लूट, इसको ठीक है, मैंने ये साढ़े आपकी ट्रिक। हाँ कितना कितना ले लिया अब मैं तक? मैं मैंने है ना कम से कम, मेरा 2.5 3 लाख का कर्जा था, लेकिन मैंने कम से कम 4.5 लाख रुपए निकाल लिए होंगे चलो टोटल, ठीक है, मतलब बहुत 1.5 लाख के प्रॉफिट में ही हूँ। चलो ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लेकिन आपने पूरा मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ना इन्हें ऐसे लूटूं, मैं ना ईमानदारी से चल रहा था, लेकिन इन्होंने ही मुझे किया है, इन्होंने यहाँ मेरे। पे ना क्या है, आप तो सही चल रहे हो, ये उंगली कर करके हाँ इंसान को खुद ही ऐसे जी मजबूर करते हैं, जो बिना करो ऐसे काम, ठीक है ना, मजबूरी में करता है इंसान, ठीक है ना। तो वो आपने किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपने पूरा देख लिया किस तरह से इनकी जो है पूरा घर टूट गया, इनके जो इनका 1 साल शादी हुए थे, हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया, इनके परिवार वाले नहीं समझे, नौकरी चली गई, एक्सीडेंट हुआ, फिर जैसे तैसे ये रिकवर हो गए, और जितना इनको पैसा निकालना था निकाल लिया, और कुछ जमा कर दिया और कुछ अपने पास रोक लिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप हाल फिलहाल में जो परेशान है वही है, 2 2 साल पहले जो लोग प्रताड़ित थे वो आज भी परेशान है, आज उनके कई लोगों के घर टूट चुके हैं। तो आज आपके सामने एग्जाम्पल पूरा है, इन भाई ने नहीं, अपना मैं एक पूरा बात कहना चाहूंगा, जो भी कम एज के लोग हैं ना, मैं जो भी जितने भी कम जैसे 18 19 साल के नए स्टूडेंट्स वगैरह हैं, प्लीज मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और है ना वो ये जो खुदकुशी वाला ये है, ये इन हराम खोरों की वजह से, इन फ्रॉड लोगों की वजह से, ऐसा कभी मत सोचे दिल में,
क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप ये सोचो ना कि आप अगर खुदकुशी कर भी लोगे तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, सिर्फ 8, 10, 20, 25 हज़ार रुपए के लिए तुम तो, है ना, इनसे आप लूटो चाहे, लेकिन है ना कभी ऐसा कदम मत उठाओ कि बिल्कुल खुदकुशी बिल्कुल, के चक्कर में। बस हम बस यही कहेंगे कि दोस्तों आपने पूरा देखा कि ये क्या कह रहे हैं, वही हम कहते हैं हमेशा कहेंगे कि आपने मन में कोई ऐसा ख्याल मत लाओ कि अपने आपको खत्म कर लें, ऐसा कुछ मत करो, ये फर्जी लोन है, आपसे इनसे डट के सामना करो, इनका अगर ये कॉल करना है दबा के इनको गाली गलौज करो, हिम्मत लाओ। या देखो बस बेइज्जती, बेइज्जती एक शब्द है, बेइज्जती कुछ नहीं होती, अगर आप जब खत्म कर लोगे तो क्या होगा, आपका परिवार मतलब यार समझ लो रोड पे आ जाएगा, अगर अगर वो आप पे डिपेंड है तो बहुत सी चीजें बिगड़ जाती हैं, तो ऐसा कोई ख्याल ना लाए। तो दोस्तों आपको यार, पूरा समझ क्या में आ बेइज्जती गया, होगी सर, विनय सर, क्या बेइज्जती होगी, क्या बेइज्जती होगी। बेइज्जती, बेइज्जती यार देखो जिसको लगता है ना बेइज्जती उसी के साथ गलत होता है, और जिसने सोच लिया है हाँ बेइज्जती यही होगा, देखी जाएगी भाड़ में जाए, बेइज्जती क्या होती है यार, इज्जत आज हम बना लेंगे और फिर बिगाड़ भी लेंगे बना भी लेंगे यार, अगर जिंदगी रही तो, नहीं रही तो फिर इज्जत का क्या करोगे, ठीक सही बात, है ना। थैंक तो यू, फिर आपका आपने बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने देख लिया इनका पूरा, मैंने आपको पूरा इंटरव्यू दिखाया, आपने देखा शुरू से लेकर एंड तक कैसे फंसे कैसे निकले, क्या टूटा परिवारों में, क्या क्या हुआ, आज ये बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, और आज अकेले हैं, एक छोटी सी जॉब नहीं, कर अब रहे मैं हैं, बहुत खुश हूं, मेरी फैमिली भी ठीक खुश है अब। है, लेकिन अब ये बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अब जैसे तैसे खुश है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी लोन से पिता रहे सबक हमने कंप्लेन कराएं, ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा हम कहते हैं जरूर कराएं, और ये काम मतलब अगर आप नहीं करते तो इसमें आप ही को प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट में कई लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को नहीं समझते हैं, तो नहीं आप समझते, कंप्लेन की कॉपी वो दिखा सकते हो प्रूफ के तौर पे कि हाँ भैया, जैसे इनके घर वालों ने, इनके तो ससुराल के पक्ष है, उन्होंने नहीं माना था, ठीक है, वो पुलिस के पास भी ले गए फिर भी नहीं माने, तो इस टाइप के लोग होते हैं, वो कंप्लेन की कॉपी भी नहीं मानेंगे, तो भैया जो लोग नहीं आ रहे, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो कंप्लेन की कॉपी आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं लाइव इंटरव्यू देना मेरे चैनल पे, जैसे इन भाई ने दिया, तो आप भी दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्या परेशानी हुई, कैसे बाहर निकले, क्या क्या हुआ, सब आप बता सकते हैं, किसी भी लोन ऐप को एक्सपोज कर सकते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें या मुझे कॉलिंग फोर पे ऐप करें, तो आप मुझसे लाइव इंटरव्यू कर सकते हैं, जैसे कि भाई दे रहे हैं, हम टोटल सभी लोन ऐप्स को जितनी फर्जी सबको एक्सपोज करेंगे। तो दोस्तों अब वीडियो लंबा हो चुका है, मैं ये खत्म करूंगा, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दे, साथ ही साथ दूसरे चैनल बजाते हाँ रहो पुंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लें सब्सक्राइब सर, ऐसा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 10 से 11 में लाइव आता हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, थैंक यू, और ठीक थैंक यू सर, है, यू तो सो मच। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।